हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप्स की होती हैं, और हमारे इसी तरह के लेक्चर्स इसमें अपलोड होते रहते हैं। तो अगर आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फील्ड से हैं या इंजीनियर हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे जो पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उनका यूज क्या होता है। तो यहाँ वीडियो में आप देख रहे हैं पीएलसी है, ओमरॉन की पीएलसी है। तो इसमें अपने ऊपर इनपुट है और नीचे आउटपुट है, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड रहता है कि इनपुट हमेशा होते हैं ऊपर की साइड में होते हैं और आउटपुट हमेशा नीचे की साइड में होते हैं। ये अपना पीएलसी है। तो पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हेल्प से हम पीएलसी में प्रोग्राम राइट करते हैं, या फिर कह सकते हैं कंडीशंस राइट करते हैं, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि कौन से आउटपुट को कब ऑन होना है और कितनी देर के लिए ऑन होना है, और उस आउटपुट के ऑन होने के लिए कौन कौन से इनपुट्स हमारे आने चाहिए, कौन कौन से सेंसर्स होते हैं फील्ड में जो इनपुट के थ्रू पीएलसी को मिलते हैं वो आने चाहिए। तो ये सारा कुछ हम डिसाइड करते हैं पीएलसी में, और पीएलसी में ये सारा डिसाइड करने के लिए जो प्रोग्राम लिखते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उनकी हेल्प से लिखते हैं। तो जो हम आगे डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी कितने टाइप से पीएलसी को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी पीएलसी को प्रोग्राम करते हैं। तो ये है लैडर डायग्राम, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, इंस्ट्रक्शन लिस्ट, स्ट्रक्चर टेक्स्ट एंड सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट। तो फ्रेंड्स, पीएलसी प्रोग्राम करने के लिए आप इनमें से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हो। जिस इंजीनियर को जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंफर्टेबल रहती है वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके पीएलसी को प्रोग्राम करता है। फिर भी जो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है लैडर डायग्राम। लैडर डायग्राम पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नंबर वन, ये देखने में एक लैडर जैसी होती है, इसीलिए इसको लैडर लॉजिक या फिर लैडर डायग्राम पीएलसी प्रोग्रामिंग कहते हैं। दूसरा, ये बेस्ट विजुअल पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तीसरी, इस लैंग्वेज की खास बात ये है कि ये इलेक्ट्रिकल रिले सर्किट्स होते हैं इनसे सिमिलर होती है। तो जो इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनको इलेक्ट्रिकल रिले सर्किट्स की अच्छी नॉलेज है वो इस पीएलसी प्रोग्रामिंग को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चौथी, इस पीएलसी प्रोग्रामिंग की खास बात यह है कि इसमें जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स से काफी मैच करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में इस पीएलसी प्रोग्रामिंग को टेक्नीशियंस, इलेक्ट्रीशियंस और ऐसे लोगों के लिए डेवलप किया गया था जो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले तो लैडर लॉजिक पीएलसी प्रोग्रामिंग को समझने के लिए हम समझेंगे कि इसमें कौन कौन से सिंबल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझेंगे पावर रेल्स क्या होती हैं, एनओएनसी क्या होता है, कॉइल्स क्या होती हैं, सीरीज क्या होता है एंड पैरेलल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये लेफ्ट में और राइट में ये वर्टिकल लाइंस आप देख रहे हो, इनको कहते हैं पावर रेल्स। तो जो लेफ्ट वाली है उसको कहेंगे पॉजिटिव पावर रेल, एंड ये राइट वाली है इसको कहेंगे नेगेटिव पावर रेल, ठीक है। और एक्स जीरो 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 के नीचे ये सिंबल आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं एनओ। एनओ का मतलब है नॉर्मली ओपन। जब तक फील्ड से कोई भी सिग्नल नहीं आएगा या स्विच ऑन नहीं होगा, तब तक ये वाला पाथ यहाँ से ओपन रहेगा, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं नॉर्मली ओपन। और एक्स जीरो जीरो वन के नीचे ये सिंबल देख रहे हैं, इसको कहते हैं नॉर्मली क्लोज, एनसी। तो इसमें उल्टा होगा, जैसे फील्ड से सिग्नल आएगा या स्विच ऑन होगा उस केस में
यहाँ से पाथ ओपन हो जाएगा, नॉर्मली तो क्लोज रहेगा पाथ, जैसे ही सिग्नल आएगा उस केस में ओपन हो जाएगा, तो इसको कहते हैं नॉर्मली क्लोज। ठीक है, ये राइट साइड में वाई जीरो 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 के साथ आप एक सिंबल देख रहे हो इस तरह का, इसको कहते हैं पीएलसी प्रोग्रामिंग में कॉइल। ठीक है, ये किसी भी आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है कॉइल। आइए बात करते हैं सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है लैडर लॉजिक पीएलसी प्रोग्रामिंग। तो यहां आप देख रहे होंगे एक्स जीरो 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 एंड एक्स जीरो जीरो वन, ये आपस में सीरीज में है। ठीक है ना, जैसे रेजिस्टेंस होता था आर वन आर टू सीरीज में, वैसे ही ये सीरीज में है, एक के बाद एक है। ठीक है ना, और यहाँ वाई जीरो 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 एंड एक्स जीरो जीरो थ्री, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे लैडर लॉजिक पीएलसी प्रोग्रामिंग में सीरीज क्या होता है एंड पैरेलल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, लैडर लॉजिक पीएलसी प्रोग्रामिंग में यूज होने वाले सिंबल्स तो हमने समझ लिए, अब हम समझेंगे जो आरएलसी सर्किट होता है उसको पीएलसी प्रोग्रामिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहले इस आरएलसी सर्किट को समझते हैं ये कर क्या रहा है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक आरएलसी सर्किट है जो स्टार्ट स्टॉप लॉजिक है किसी भी कॉन्टैक्टर को होल्ड कर रहा है। तो ये हमारा स्टार्ट पुश बटन है और स्टॉप पुश बटन है, ईएनसी टाइप का है, और ये हमारा आउटपुट है जो किसी कॉन्टैक्टर को ऑन कर रहा है। कॉन्टैक्टर का जो एनो पॉइंट है उसको हमने स्टार्ट बटन के साथ पैरेलल में लिया हुआ है, जिससे हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाए। जैसे ही हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे होल्डिंग ब्रेक हो जाएगी। तो इस तरह से हम आरएलसी सर्किट डिजाइन करते हैं। तो इसको हम देखेंगे पीएलसी में किस तरह से यूज करते हैं या फिर पीएलसी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं इस तरह के सर्किट को यूज करके। तो फ्रेंड्स, अब हम उस आरएलसी सर्किट को लैडर लॉजिक पीएलसी प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे किस तरह से एक आरएलसी सर्किट लैडर लॉजिक पीएलसी प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट होता है। तो फ्रेंड्स, हमने उस आरएलसी सर्किट को लैडर लॉजिक पीएलसी प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमारे पास जो पीएलसी प्रोग्रामिंग का सिमुलेटर है उसकी हेल्प से हम लॉजिक को टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सिमुलेटर सॉफ्टवेयर ऑन हो रहा है, ये कुछ टाइम लेगा, तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सिमुलेटर रेडी हो गया है, अब हम लॉजिक को टेस्ट करेंगे। लॉजिक को टेस्ट करने के लिए जो स्टार्ट पुश बटन है जिसका एड्रेस एक्स जीरो जीरो है उसको ऑन करेंगे या एक बार प्रेस करेंगे। देखिए, जैसे हमने स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया हमारा आउटपुट कंटिन्यूस ऑन हो गया। होल्ड इसलिए हो गया क्योंकि हमने जो फीडबैक है आउटपुट का उसको स्टार्ट पुश बटन के साथ पैरेलल में लिया हुआ। ठीक है, अब हम इसको स्टॉप करने के लिए स्टॉप पुश बटन को एक बार प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने स्टॉप पुश बटन को प्रेस किया हमारी जो होल्डिंग थी आउटपुट की वो कट हो गई। देखिए, हमारा आउटपुट ऑफ हो गया। तो फ्रेंड्स, आपने एक कंप्लीट एग्जांपल देख लिया किस तरह से जो आरएलसी सर्किट होता है उसको पीएलसी प्रोग्रामिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और हमने उसको टेस्ट करके भी देख लिया। तो इसी तरह से पीएलसी प्रोग्रामिंग या लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग में बाकी लॉजिक भी क्रिएट किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने जाना कि पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप की होती हैं,
और लैडर लॉजिक पीएलसी प्रोग्रामिंग क्या होती है, लैडर लॉजिक पीएलसी प्रोग्रामिंग को यूज करके किसी भी पीएलसी को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके अलावा आने वाले लेक्चर्स में हम सीखेंगे कि लैडर लॉजिक के अलावा बाकी जो पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जैसे फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, इंस्ट्रक्शन लिस्ट, स्ट्रक्चर टेक्स्ट एंड सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट, तो ये लैंग्वेज क्या होती है, इनको यूज करके किसी भी पीएलसी को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इसके अलावा जो भी फ्रेंड्स हमारे ऐसे हैं जो पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।